दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन यूज़र्स के लिए जो कि BSNL यूज़ करते हैं या फिर BSNL में जाने की सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अवेटेड टॉपिक के ऊपर है जो कि है BSNL 5G सर्विसेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं BSNL 4G के बारे में एक बहुत बड़ा जो फ्रॉड चल रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा के हमारी लेटेस्ट वीडियोस के तुरंत नोटिफिकेशन पाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर शर्मा, करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों हमारा BSNL 5G के ऊपर है। आपको बता दूं कि BSNL का 5G सर्विस इंडिया में बड़ी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो BSNL का 5G सर्विस है दोस्तों वो BSNL 4G से भी पहले आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर BSNL 4G सर्विसेज को लॉन्च करने की तैयारी में रहेगा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कई जो यहाँ पे कई स्टेट्स हैं वहाँ पे BSNL का जो 4G सर्विस है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दोस्तों वो असल में 4G सर्विस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 3G की स्पीड दी जाती है, लेकिन बस एक नाम हो गया है कि BSNL 4G कुछ स्टेट्स में एक्टिवेट हो गया है। लेकिन दोस्तों जो स्पीड है वो अभी भी 3G की आपको मिलती है। अगर आप कहीं पे BSNL की सिम लेने जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स आपको यही कहा जाता है कि BSNL का 4G आ चुका है, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है वो यही है कि BSNL का 4G नहीं आया है। अगर आप कोई सिम कार्ड ले रहे हैं चाहे वो फ्री में क्यों ना बंट रहे हो, लेकिन BSNL का अगर आप ये सोच कर ले रहे हैं कि 4G की आपको स्पीड मिलेगी तो बिल्कुल मत लेना दोस्तों BSNL का सिम कार्ड। लेकिन 3G की स्पीड भी बहुत अच्छी है इसकी, वो भी 4G जैसी लगती है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि 4G लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों सच्चाई इसी बात में है कि 4G अभी BSNL का नहीं आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है BSNL की ओर से कि 5G सर्विस दोस्तों जो है पूरे इंडिया में बड़ी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, और यहाँ पे एक जो इसके टावर हैं वो BSNL ने तैयार कर लिए हैं और अभी बस इसको लॉन्च करने की तैयारी में है BSNL। अब देखते हैं कि कितना टाइम लेता है ये अपने इस लॉन्च इवेंट में, कि कब तक 5G सर्विस को इंडिया में वो लॉन्च कर देगा। और 5G दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आपके 4G हैंडसेट हैं अभी इस टाइम पे आप यूज़ कर रहे होंगे उनके अंदर भी जो दोस्तों BSNL का 5G है वो सपोर्ट करेगा। अब दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको अपना सिम अपग्रेड करना होगा, लेकिन दोस्तों एक बड़ा फ्रॉड यही चल रहा है कि यहाँ पे आपको 4G के नाम पे 3G सिम दी जा रही है BSNL की, 4G का नाम लेके कि हाँ BSNL का 4G आ गया है। क्योंकि अगर BSNL 4G सर्विस को अभी निकालेगा तो अब उसका और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर इस टाइम पे BSNL सोचता भी है कि वो पूरे इंडिया में 3G से 4G में अपग्रेड कर दे अपनी सिम कार्ड्स को, तो यहाँ पर उसको उसके लिए नए फ्रिक्वेंसी बैंड चाहिए और उसके लिए उसको नए टावर चाहिए होंगे। अब नए टावर उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है दोस्तों, क्योंकि 4G के टावर उसको नए खरीदने पड़ेंगे, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने पूरे सिस्टम को, और यहाँ पे इसलिए उसने सोचा कि डायरेक्टली हम सीधा 5G सर्विस को लॉन्च कर देते हैं। क्योंकि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो ये सभी एक साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है कि 4G आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सस्ते दामों में आपको उसके प्लान्स दिए जाते हैं। दोस्तों बस यही जानकारी मुझे आपको इस वीडियो में देनी थी, और जो इसका मेन मोटिव ये था कि अगर आप 4G सिम कार्ड के नाम पे BSNL का सिम ले रहे हो तो भूल जाइए दोस्तों, 4G अभी नहीं आने वाला, अब डायरेक्टली 5G आएगा BSNL का, और क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि सभी को इस सच के बारे में पता चल जाए। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, चलता हूँ, बाय।